ऑल ऑफ यू, आज आप एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू सर्किल ऑफ रेडियस 5 cm एंड 3 cm इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 4 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। दो सर्किल हैं जिसके रेडियस 5 cm और 3 cm हैं और उन दोनों सेंटरों के बीच का डिस्टेंस 4 cm है, तो फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड का लंबाई बताइए। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए एक 5 cm का जो है सर्किल बनाया ओ को सेंटर मानते हुए, और फिर उसके बाद दूसरा सर्किल 3 cm का ओ डैश को सेंटर मारते हुए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या रखा, 4 रखा, और ओ डैश को सेंटर मारते हुए दूसरा सर्किल हमने बनाया जो कि इंटरसेक्ट हुए दोनों सर्किल ए और बी पर। और इसी जो है सर्किल में जो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हुए उसका नाम हमने ए और बी दिया। आप देख रहे हैं कि पहले जो है सर्किल को हमने ओ से ए को ज्वाइन किया पॉइंट को, तो हमारा रेडियस 5 cm और ए बी 5 cm, यानी ओ ए की वैल्यू 5, ओ बी की वैल्यू 5, ये आप जानते हैं क्योंकि आपको बड़े सर्किल का रेडियस 5 cm दिया है और छोटे सर्किल के रेडियस को भी कॉमन कॉर्ड है, कॉमन पॉइंट है। हमने ओ डैश से ज्वाइन किया तो ये 3 cm और ये भी 3 cm क्योंकि दूसरे सर्किल का रेडियस 3 cm है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 cm है। इस प्रकार आप ट्रायंगल ए ओ ओ डैश में देख रहे हैं कि तीनों साइडें आपको मालूम है, तो तीनों साइडों को चेक किया जाए। ए ओ का स्क्वायर निकाला तो 5 का स्क्वायर 25, ए ओ डैश की वैल्यू निकाली तो 3 स्क्वायर का वैल्यू 9, ओ डैश का स्क्वायर का वैल्यू निकाला तो 4 स्क्वायर इज इक्वल 16। और पाइथागोरस थ्योरम होता है आप जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी को कन्वर्स हम लेते हैं, इसका उल्टा लेते हैं कि अगर सबसे बड़ी साइड का होल स्क्वायर बाकी दो साइडों के होल स्क्वायर के बराबर होता है तो पाइथागोरस थ्योरम उस पर अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसके बाद हम देख रहे हैं वैल्यू ए ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल 9 प्लस 16, और इसके बाद यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दें और इसके बाद आप देख रहे हैं 9 प्लस 16 जिसकी वैल्यू 25 और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए ओ स्क्वायर, यानी हमें मिल गया ए ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल ए ओ स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है। पाइथागोरस सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका ट्राइंगल ए ओ डैश राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल ए ओ डैश ओ कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे ट्राइंगल के बारे में बात करें बी ओ डैश ओ के बारे में, तो ये भी एंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा सिमिलरली करके, और ये एंगल आपका बी ओ डैश ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, और दोनों एंगल निकल गए तो हम एंगल ए ओ डैश बी फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए ओ डैश बी की वैल्यू 90 प्लस 90 देन 180, और किसी भी एंगल का वैल्यू अगर 180 आता है तो इसका मतलब है कि वो लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और वही लैंग्वेज हमें दिया ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन हूज मिड पॉइंट इज ओ, देन ए बी इज इक्वल 3 प्लस 3, ए बी इज इक्वल 6 cm, और ए बी आप जो फाइंड किए यही दोनों सर्किलों का कॉमन कॉर्ड था और इसी कॉमन कॉर्ड की लेंथ आपको मालूम करनी थी। यहाँ पर सबसे पहले काम किया गया कि इस ए बी को हमको ये दिखाना पड़ा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन दिखाने के बाद दोनों की लेंथ 3 प्लस 3 इज इक्वल 6 cm, और यह रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप कल देखेंगे। दैट्स ऑल।